हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो गाइस आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं पूजा आप सबको और एक न्यू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज है अष्टमी, नवरात्रि का 8वां दिन, जो हमारे भाषा में अष्टमी बोलते हैं। तो सुबह मैं गई थी मंदिर और जाके सारी हर चीज़ जो भी पूजा का सामान है, सिंगार सामान, हर चीज़ से मैं मंदिर में चढ़ा के आई हूँ। लेकिन उसका वीडियो शूट करना भूल गई हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी रहता है, इसी वजह से कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए सॉरी। और मंदिर से आने के बाद मैं अपने किचन में आई हूँ, नाश्ता बनाना है। तो नाश्ता खाना जो भी आज, तो चावल नहीं बनेगा, बस आज पूरी खाना पड़ेगा। तो उसी को बनाने के लिए मैं किचन में आ गई हूँ। अभी आलू को उबालने के लिए डाल रही हूँ, कुकर को चढ़ा दी हूँ और आलू को कट कट के उसको ना उबालने के लिए छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि मैं पूरी और मटर पनीर का सब्ज़ी बनाऊँगी सोच रही थी, लेकिन रात को ना मटर को भिगाना ही भूल गई थी। और यहाँ पे पानी गिर गया है थोड़ा सा, उसको पोछा से पोछ के क्लीन कर दे रही हूँ, नहीं तो मेरा सारी ही गीला हो जाएगा। और अभी देखिए, मैं आटा को निकाल ली हूँ, आटा को सानना है मेरे को पूरी बनाने के लिए। और ये सब मेरे हाथ में राशन सामान है, मैंने इसको अलग से ख़रीद के रखा है, क्योंकि डेली जो इस्तेमाल खाने में, जो भी खाना बनाने में डेली इस्तेमाल करती हूँ, वो सब चीज़ तो आज उसका छुआ भी नहीं चलेगा, क्योंकि अष्टमी है हम लोगों का। आज का जो भी है पूरा नया पैकेट से बनाना पड़ता है, तो इसीलिए मैं सारा सामान, जो भी राशन सामान है, उसको अलग से मंगाई हूँ। इसको कल भी खाई थी, आज भी खा रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा पूरी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक, चीनी और तेल को डाल दी हूँ, डाल के मिक्स करके फिर इसको पानी डाल के सान ले रही हूँ। तो गाइस, मेरा हो चुका है, मैंने आटा को अच्छे से सान लिया है। अभी पूरी बनाऊंगी तो कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, उसमें अभी कढ़ाई भी गर्म हो चुका है, इसमें थोड़ा सा तेल डाल दे रही हूँ, और पूरी को बेलते बेलते तेल भी गर्म हो जाएगा। उसके बाद फटाफट पूरी भी छान लूँगी। और अभी टाइम भी हो रहा है, 12 बज रहा है और 1 बजे हम लोगों को खाना है। और मंदिर गई थी ना सुबह, तो वहाँ से आने के बाद ना मम्मी का घर चली गई थी और वहीं पर थोड़ा सा बैठी थी, वहाँ भी पूरी बन रहा था, तो जो भाभी है वो नहीं कर पाएगी, तो उसका हाथ में मैं भी मदद कर दे रही थी, इसीलिए वहाँ पे ना थोड़ा सा मेरे को लेट हो गया है। अभी घर पे आई हूँ तो थोड़ा फिर यहाँ भी बना रही हूँ, और ऐसे भी हम 1 बजे खाएंगे, तो सोचा अभी 12 बज रहा है तो 1 घंटा में मेरा सब्जी भी बन के रेडी हो जाएगा। और गाइस, मैं ना जो मटर भिगाना भूल गई थी, तो फिर सोचा सब्जी में क्या बनाऊँगी और पूरी के साथ क्या खाने में अच्छा लगेगा, तो फिर मैंने जो लाल वाला चना रहता है उसको ना थोड़ा सा गर्म पानी करके भिगा दिया है, लेकिन भीग नहीं रहा था। फिर कुकर में ना उसका सीटी मार के उसको फुलाऊंगी, क्योंकि नहीं तो किस चीज़ से सब्जी बनाऊंगी। और खाली पनीर आलू का सब्ज़ी भी पूरी के साथ अच्छा नहीं लगेगा मटर बिना, तो इसीलिए पनीर भी नहीं मंगाई हूँ और मटर भिगाना ही भूल गई। तो जो भी है, आज ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, गलती मेरा ही है। और घर में परवल भी रहता ना, तो परवल आलू का भी सब्ज़ी बना देती, लेकिन वो भी नहीं है। आज मार्केट है, तो आज बुधवार है, बुधवार जो मार्केट है, रात को मार्केट है, लेकिन अभी कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा, जैसे तैसे है। Oh,
बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल फील होता है। और अभी देखिए मंदिर गई थी तो सारा प्रसाद को मैं ली हूँ क्योंकि इसको भी खाना है, और सारा जो भी खीरा है इसको छील के मैं सलाद जैसे बना ले रही हूँ। सलाद तो नहीं है, जो भी प्रसाद में चढ़ाई थी फल उसको काट ले रही हूँ। और खाना पूरी है तो पूरी खाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा मतलब तेल वाला चीज़ है खाने के बाद कैसा लगता है इसीलिए ना थोड़ा सा खीरा और जो भी फल है सारा को काट ले रही हूँ, उसके साथ खाऊंगी ना तो तेल वाला चीज़ खाने के बाद जैसे लगता है ना नहीं लगेगा। गर्मी का दिन है, खीरा भी खाना चाहिए।